सुबह आपकी सुबह में ताजगी को घोलने के लिए मैं शिल्पा भावना आ जाती हूँ आपके पास, और आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ चिड़ियों की चहक को लेकर, फूलों की महक को लेकर और पशुओं की कहक को लेकर। लेकिन ये सभी कहक हैं, ये ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे दिल में तरंग उठाती हैं और हमें बताती हैं कि एक ऐसी सुबह का आगाज़ हो गया है जिसने हमें आपसे मिलवा दिया है। तो शिल्पा भावना आप सभी का स्वागत करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सुप्रभात। हम सभी लोग कलाकार हैं, हम सभी लोग जीवन में अलग अलग तरह की एक्टिंग करते हैं। कोई कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी की एक्टिंग करते हैं और कोई ये एक्टिंग करते हैं कि सूखी रोटी खाकर उनका पेट भर गया। कभी पिताजी ये एक्टिंग करते हैं कि टूटी हुई चारपाई पर फटी हुई चादर लपेटे हुए भी उन्हें नींद आ रही है, और कभी माँ ये एक्टिंग करती है कि अपने हिस्से की रोटी बच्चे को देकर कहती है कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन इन सभी किरदारों को जब एक कलाकार अपने अंदर समाकर पर्दे पर उतारता है तो वाकई कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है, कहीं ये हमारी कहानी तो नहीं। ऐसी ही कहानियों में जानदार किरदारों में जो एक व्यक्तित्व की छटा को बिखेरता है वो होता है कलाकार। आज हमारे साथ एक ऐसी ही कलाकारा मौजूद हैं जिन्हें हम लोग रघुवीर सहाय जी की बेटी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक ख़ास नाम है जिससे वो बिल्कुल कभी भी अछूती नहीं रही हैं, और वो हैं कैरी की इमरती देवी। हमारे साथ हैं जानी मानी कलाकारा हेमा सिंह जी। हेमा जी सुप्रभात। सुप्रभात हम्बे। बिल्कुल, और आप लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है आज सुप्रभात में। आपसे आज हमें बहुत सारी बातें करनी है, आपके व्यूअर्स आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, उनके माध्यम से मैं आपसे पूछूंगी। जी जरूर जरूर। हेमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हेमा सिंह और इमरती देवी, कितना इनकी पर्सनैलिटी आपस में मेल खाती है? मेल तो बहुत कम खाती है। हाँ हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि जब इमरती देवी की लाइफ बहुत अलग थी, उसके तीन तीन बेटे थे, उसने बहुत जीवन में संघर्ष किया था, और हेमा सिंह ने भी बहुत संघर्ष किया है जी। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इमरती देवी का जो एक कड़कपना था ना, और प्यार से बोलना था जी, जी, वो मीठी छुरी थी। हा, हा। तो काम करते समय जब मैं लोगों के साथ नाटक डायरेक्ट करती थी या काम करती थी, तो मेरा पूरा एटीट्यूड ये रहता था कि सब लोग बहुत डिसिप्लिन में रहें और बहुत प्यार से सबको डिसिप्लिन में रखती थी। तो शायद यही कारण था कि मेरा एक स्टूडेंट जो थे, अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, वो आए मेरा और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और कहा, मैम ये रोल सिर्फ आपके लिए है, ये इमरती देवी आपको ही सूट करता है। तो मुझे लगता है एक बेसिक क्वालिटी जो थी कि एक डिसिप्लिन में रहना और बहुत चीज़ों से बोलकर अपना सारा काम करवा लेना। हालांकि इमरती देवी बहुत विशेष भी थी। हाँ हाँ। उनके अंदर बहुत कटु भाव भी थे। बिल्कुल। मैं उससे बहुत अलग हूँ और इसीलिए मुझे वो रोल करके बहुत मजा आया, क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ा होगा, क्योंकि जब एक व्यक्तित्व से आपका जो रूटीन का व्यक्तित्व है वो मेल नहीं खाता, तो आपको बहुत एनर्जी पुट करनी पड़ती है उस लेवल तक जाने के लिए। मैंने ये काम किया था, देखिए जब हम कभी नाटक में कोई भी रोल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि आसपास कोई वैसे लोग हैं क्या, ऑब्जर्व करते हैं या अपनी इमोशनल मेमोरी को लाते हैं। मैंने उसमें एक डायलॉग डाला था, डायलॉग मतलब थोड़ा सा जयका कर रही हो चले जाओ, हाँ बड़ी आई ऐसा करके बोलती थी ना, अपने यो अवधि थोड़ी सी लगाई, थोड़ी सी आगरे वाली लगाई, सब मिला के एक भाषा बनाई थी, और उसमें एक हम्बे शब्द जोड़ा था तो वो, और उसकी हाव भाव अलग बनाए थे। तो मैंने आसपास के लोगों को देखा, मतलब मेरी दादी, मेरी खुद की सास वो आगरे से है, और मेरी माँ वो बहुत बिल्कुल अलग है इमरती देवी से, लेकिन मेरी नानी, मेरी मौसी, ये सब लोग इसी तरीके से कुछ कुछ एक्सप्रेशन लाती थी बोलने में, तो आपने उनसे रिलेट किया। लेकिन उतना कटुता जो है मैंने बहुत लोगों में देखी, क्योंकि सास और बहू के बीच में नोकझोंक तो चलती रहती है, तो उन चीज़ों को लाने की कोशिश की। और एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताती हूँ कि मैं जब भी वो रोल पढ़ती थी तो मैं रोल पढ़ के उसको कहती थी, ओ भगवान कितनी खराब औरत है ये, एकदम चुड़ैल, ऐसे बोलती थी मैं। फिर उसके बाद आप ही को वो करना भी पड़ता था, खुद ही करती थी उसको, तो मुझे ज्यादा मजा आता था। एंड कैन यू एक्चुअली बिलीव कि व्यूअर्स ने जब आपको करते हुए देखा था उन्होंने ये बोला था बड़ी खराब औरत है? अरे मेरे घर में, मेरे घर से फोन आ गए थे, मेरी सास को फोन आने लगे थे, अरे तुम्हारी बहू इतनी इतनी तेज है क्या, लोग मुझसे डरते थे कई लोग तो। हाँ हाँ। लेकिन ये था कि
बहुत पॉपुलर हुआ वो रोल, और उसने मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया। 10 महीने में मैं रही और उन 10 महीनों में मुझे 3 अवार्ड्स मिले। जी बिल्कुल, आई वाज अबाउट टू आस्क यू अबाउट दैट। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक व्हाइल रिसीविंग द अवार्ड, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपने हमेशा एक चीज सोची थी कि कलाकार, अपने अंदर के कलाकार को आपको सुदृढ़ करना है, लेकिन कभी अवार्ड्स के लिए कोई कलाकार काम नहीं करता। नहीं, 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 लेकिन नहीं। आपने जब काम किया और अवार्ड्स मिले, सो हाउ द फीलिंग केम इन? इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग एंड इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अब्सॉर्ब इट, बिकॉज विद इन 10 मंथ्स, मतलब नवंबर, थ्री अवार्ड्स इन अ रो। तो पहले बेस्ट साजिश अवार्ड मिला, फिर आईटा का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन नेगेटिव रोल, फिर कलर्स का गोल्डन पेटल अवार्ड। तो जो मेरे साथी लोग थे वो कहने लगे, मैम हम 10-10 साल से यहाँ हैं, बिल्कुल, और आपको 7 महीने में ये अवार्ड मिल गए। इसका मतलब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मुंबई आपको रिवॉर्ड बहुत देता है अगर आप अच्छा काम करते हैं और बहुत मन से और काम करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आप लोग कुछ काम करें, चाहे एक छोटा सा बच्चा अगर एग्ज़ाम में कुछ कम मार्क्स भी लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी अगर उन्हें थोड़ी सी शाबाशी मिल जाए कि बच्चे आपने अच्छा काम किया है, अभी इतने नंबर आए लेकिन अगली बार और अच्छे आ सकते हैं, तो जब इस तरह की शाबाशी मिलती है तो काम करने का जज्बा डबल ट्रिपल हो जाता है। हेमा जी, एक बड़ी ख़ास बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने इस किरदार को किया, आपने जैसे कहा कि आपने इसमें बहुत सारे डायलेक्ट्स जोड़े, वो डायलेक्ट्स ही कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लोगों के साथ जोड़ दिया था, तो मैं चाहूंगी कि वो डायलेक्ट्स एक बार फिर से आप हमारे व्यूअर्स के सामने रखें, ताकि आज एक बार फिर सुप्रभात के जरिए सब आपसे जुड़ सके। एक इमरती देवी के ताने बहुत फेमस हुए, बिल्कुल, तो उसमें एक ताना था कि 100 की साड़ी 1000 का पल्लू, ए हमारी बहू चले हल्लू हल्लू, ए बहू जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो सुबह का नाश्ता का रात के खाने में मिलेगा अंबर। तो ये एक रफनेस लाई थी उस आवाज में, और एक रिदम होती है ना भाषा, बिल्कुल। आपने जो अपना डायलेक्ट रखा इमरती देवी का, उसमें आपने एक गाता हुआ डायलॉग जो है उसको आपने इनपुट दिया अपना, तो इस गायन का कहीं ना कहीं आप जो पर्शियन स्टाइल का प्ले करती हैं उससे बहुत आपको लगता है कि इंस्पायर होता है? इंस्पायर तो देखिए हर चीज़ काव्य से होती है जी, काव्य हर चीज़ में होता है, एक अपने रिदम होती है हर चीज़ जी। तो पारसी शैली में जो नाटक की जो पारसी शैली है उसमें उसके अपनी संवाद अदायगी होती है, उसका एक अलग तरीका होता है, एक्टर बिल्कुल अलग होता है, उसमें टोटल कॉन्सेप्ट होता है, जो गा सके, जो नाच सके, जो मार्शल आर्ट कर सके, और उसमें जितने डायलॉग्स होते हैं वो सब छंद में बोले जाते हैं, वो एक रिदम में होता है, रिदम उनकी खास अदा, प्रोज अलग होता है और शेर व शायरी अलग होती है। तो इसको लेकर मैंने काफ़ी काम किया है और एक तरीके से मैं उसकी एक्सपर्ट मानी जाती हूँ। मतलब उसके इतिहास में देखा जाए तो पारसी शैली के इतिहास में तो पहली बार मैं उसको लेकर विदेश गई, विदेश में मैंने वहाँ लोगों को पढ़ाया पारसी शैली। मतलब इंग्लिश में वो लोग कह रहे थे यू आर द किंग ऑफ माई हार्ट, जबकि हिंदी में होता है तुम मेरे दिल की दुनिया के बादशाह हो। तो विदेशी लोगों को ये सिखाना, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, एग्जैजरेटेड स्टाइल सिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत अनुभव था, और ये एक स्टाइल की एक पूरी गहन अध्ययन किया है मैंने, कम से कम 20 साल हो गए इसको करते हुए। 20 साल का आपका अध्ययन है इसमें। तो वो एक रिदम, हर चीज़ की अपनी एक अलग रिदम होती है। इमरती देवी की अलग रिदम होगी, हेमा सिंह की अलग रिदम होगी, बोलने देख जो मैं भी बोल रही हूँ। अब हम एक चीज़ चाहते हैं कि जो हेमा सिंह की रिदम है उस रिदम में पर्शियन स्टाइल को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए, और अब हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, सो दैट विल बी अ म्यूजिकल डायलेक्ट ब्रेक। ओके जी। एक्चुअली मैंने एक नाटक किया था पारसी शैली में, मशरकी हूर। हाँ जी। तो वो जो लड़की है उसको मना किया जा रहा है कि तुम अपने बाप को छुड़ाने नहीं जाओगे, जी, जी, जी। तो वो लड़का बनकर जिद कर रही है कि मैं लड़के जैसा काम कर सकती हूँ। तो वो कुछ ऐसा शेर बोलती है, तीर हो नेजा हो बरछी तेग या तलवार हो, सर पे मेरे आग की या खून की बौछार हो, सामना अगर हो कयामत का भी तो बढ़ जाऊंगी, मैं जो बेटी हूँ तो अपने बाप को ले आऊंगी। बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती हैं, एक्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ यू, लेकिन जब हम बात करते हैं कविताओं की प्रेजेंटेशन की या आपके पारसी स्टाइल की थिएटर की, उनके लिए भी आप बहुत जानी जाती हैं। पारसी स्टाइल के थिएटर की हमने बात की, लेकिन जब हम कविताओं का प्रेजेंटेशन कहते हैं तो ये एक्चुअली किस तरह से आप इसको स्टेज पर दिखाती हैं, और आपके ऊपर किसका प्रभाव है इन चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए? देखिए, मैं एक तरह से बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि
मेरे पिता हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे, श्री रघुवीर सहाय, जो कि दिनमान के एडिटर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, तो उनका नाम जर्नलिज्म में कविता लिखने में और साथ ही साथ वो रंगमंच से भी बहुत जुड़े थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी बहुत जुड़े थे. उन्होंने शेक्सपियर के बहुत सारे अच्छे नाटकों का अनुवाद किया है, मैकबेथ, ओथेलो, मिडसमर्स नाइट ड्रीम. तो बचपन से ही साहित्य का और कविता का एक बहुत अच्छा मुझ पर प्रभाव था. और मेरी माँ जो है विदुषी है, मतलब 7 साल उन्होंने बचपन में गाना सीखा था, क्लासिकल सिंगिंग, सितार, तबला, हारमोनियम सब बजा लेती है. मेरी छोटी बहन गौरी है जो बहुत अच्छा गाती है, अभी वो अमेरिकन से शादी हुई उनकी, वो बहुत ओपरा गाती हैं. मेरे छोटे भाई हैं जो बहुत माइक्रोसॉफ्ट में बहुत बड़े जनरल मैनेजर हैं, इज इन स्टेट्स, पर वो बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं, पियानो बजाते हैं. मेरी बड़ी बहन मंजरी जोशी हैं जो कि टीवी में, नेशनल टीवी में बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ पढ़ती थी. तो हम सब पूरा परिवार एक साहित्य और कला से भरा पूरा था. तो इसका एक बहुत अच्छा असर मुझ पर पड़ा. कविताओं का मंचन जो होता है वो कुछ इस तरह से हो कि कविता की अस्मिता भी बनी रहे और उसमें शब्दों का खेल हो, उसमें इमेजेस बने. मैंने जब मैं रिपेट्री कंपनी में थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, तो मैंने मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी कविताओं की एक नाट्य प्रस्तुति की थी. कि एक अभिनेता उन कविताओं को कैसे बोलेगा. उसका नाम था हम कौन थे, क्या हो गए और क्या अभी होंगे अभी. तो इनकी बहुत फेमस पोएम है, कविता की पंक्ति है. तो इस तरह से कविताओं का बहुत सारा प्रेजेंटेशन करती हूँ. और उन कविताओं की प्रेजेंटेशन को, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले ही बात किया था कि आपने अपने उस किरदार इमरती देवी में, वो अकस्मात ही आपकी आवाज़ में निकल के आया और लोगों के दिलों को उसने छुआ. आपने हमारे व्यूअर्स को उस इमरती देवी से मिलवाया है, हम आपको भी इमरती देवी से मिलवाना चाहते हैं. अरे जरूर जरूर, लेट्स हैव अ लुक. आज 100 की साड़ी 1000 का पल्लू, मेरी बहू चले अल्लू अल्लू. ए बहू, जरा जल्दी जल्दी काम निपटाओ, वरना रात का खाना सुबह नाश्ते में मिलेगा. और चलो, हमारी बहू है कि बेजंती माला, एक हाथ में लिपस्टिक दूजे में आईना. बहू, अरे आईने को माफ करो और जरा घर को साफ करो. बहू, हम जो तबीयत ठीक ना है तो बस आज बैठक का पंखा साफ कर देना, रसोई के जूठे बर्तन धो देना और जो कपड़ों पर ना इस्त्री फेर देना बेटा, आराम से बेटा. बहू, जरा हम भी दवाई तो ले आ. और सुन, उसमें गलती से जहर मत मिला देना. तू तो जानती है हमें तुझ पर कितना भरोसा है. हेलो. और वाकई आपको भरोसा है अपनी बहुओं पर? इसको देख के वाकई लग रहा है कि कितनी मतलब मीठी छुरी है, बोल भी देती है सब कुछ और पता भी ना चले. हम तो बहुत बहुत सीधे साधे हैं. कुछ यादें हैं जो वापस ताज़ा हो गई इस वीडियो को बहुत, देखने के बहुत बाद? बहुत सारी, बहुत सारी. देखिए, मैं आपको सच सच बताऊं तो मेरे पास इससे पहले भी एक ऑफर आया था जी, इस देश ना आना लाडो में अम्मा जी का रोल मुझे ऑफर किया गया था जी, पर मैं नहीं जा पाई थी करने के लिए. जब ये ऑफर हुआ तो मेरी छोटी सी बेटी ने मुझे कहा, माँ मैं बड़ी हो गई हूँ और तुम जाओ. तो मेरे हस्बैंड जो है वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, एक्टर हैं, और हम भी उन्हीं की देन है. अच्छा जी हाँ. तो हम क्योंकि आपस में बहुत रेपो रखते हैं और एक दूसरे से आदान प्रदान लेते रहते हैं, मेरे बेस्ट क्रिटिक वही हैं, वो खुद बहुत अच्छे राइटर हैं, उनके लिखे कई नाटक मैंने किए हैं जी. तो उनके साथ एक्ट किया है मैंने कई प्लेस में. तो एक वो आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है, दैट इज वेरी स्ट्रांग. तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा. तो वहाँ जब गई तो आप समझिए कि आप अपना पूरा का पूरा सब कुछ संसार जो है एक नया बसा रहे थे जी. एक्चुअली आप कुछ उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने इस मिथ को तोड़ा कि मैरिज के बाद एक्टिंग करियर एक फीमेल के लिए इज नॉट सो इजी टू गेट और आपको फेम नहीं मिलेगा. सो यू हैव ब्रोकन दैट मिथ. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना क्रेडिट दे रही हैं. पर इसमें दोनों जैसे कहते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए होते हैं. बिल्कुल. तो दोनों काम करते हैं और मेरे ख्याल से ये तब हो पाता है जब आप एक दूसरे की बुराइयों, नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को एक्सेप्ट करते हैं. आप ये नहीं मान सकते कि मेरा पति तो देवता है या मेरी पत्नी देवी है. वो एक ह्यूमन बीइंग है, उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं. तो आप उन गलतियों को जब एक्सेप्ट करते हैं
और आप एक दूसरे को जब प्यार करते हैं तब आप दूसरे की तरक्की में खुद को बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, तो हमने आपस में बहुत एक दूसरे को मदद की है। और लकीली मेरे हस्बैंड जो है वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ही पास आउट है, वागीश कुमार सिंह जी, बहुत अच्छे राजस्थान के बहुत बड़े प्लेराइट्स में उनका नाम आता है। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करते रहे, हमने बहुत संघर्ष किए हैं। जब मैं इमरती देवी करने गई तो उन्होंने पीछे से घर संभाला, और मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी बहुत, हरिप्रिया जो है मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत हर चीज़ों का ध्यान रखती है, छोटी है वो अभी, आर्किटेक्ट है वो, अब बन गई है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि कई बार आपको सेक्रीफाइस भी बहुत करना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपके पति कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए तो आप उस समय कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप घर में घर देखेंगे और आप अपना बच्चा देखेंगे, या जब मैं जा रही हूँ तो वो कुछ काम नहीं करेंगे। एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस भी बहुत होना चाहिए कि आप कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं तो आपके मन में कोई शक नहीं है, आप बहुत फ्री हैं कि वो वहाँ गया है पर वो मेरा है। बिल्कुल, तो ये वापस सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी मैरिज रिलेशन को बनाए रखने के लिए। कई बार आप बहुत बातें सुनते हैं लोगों के बारे में, उसने कहा, इसने कहा, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज पर ध्यान देने की, अगर आपको अपने पर विश्वास है। एंड यू आर हैप्पी विद दिस बॉन्ड विद योर यस, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी शादी को 26 साल होने वाले हैं अभी 25 नवंबर को। ओह, देन आई विल कॉल यू एंड विश यू। थैंक यू। और हमने मनपसंद शादी की है जी। और हमारे परिवार वालों ने भी इसमें सहमति से शादी हुई है जी। और हम दोनों हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम एक दूसरे को नैग ना करें, तंग ना करें कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया, अच्छा नहीं किया तो नहीं किया। जी, तो आपका ये जो बॉन्ड है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बॉन्ड हमेशा आपके हस्बैंड के साथ बना रहे। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपने अपने हस्बैंड के बहुत सारे प्लेज में इनएक्ट भी किया है, तो उनका कोई एक हमें डायलॉग सुनाना चाहेंगे उस प्ले का जो उन्होंने डायरेक्ट किया हो और आपने उसमें एक्ट किया हो। एक्चुअली अभी 2010 में जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब संगीत नाटक एकेडमी ने मुझे इनवाइट किया और कहा कि आप एक सोलो करें, मुझे आशीष विद्यार्थी और माया राव जी हैं शायद उनको, तो तब मेरे हस्बैंड ने एक कहानी है, सियरा लियोन नाम जगह है छोटी सी साउथ अफ्रीका में, उसकी एक कहानी ली थी, उसका एक उन्होंने मेरे एक सोलो बनाया, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो उसमें मैंने भी डायलेक्ट इस्तेमाल किया था। अब मुझे एकदम याद नहीं आ रहे उसके डायलॉग्स, लेकिन उसका कुछ ऐसा शुरुआत थी, बहुत इंटेंस शुरुआत जी, थी जी। निकल निकल मूसा निकल, तू मेरे घर से, और सुन जो तूने बात कही है ना पूरे गांव में, खबरदार जो तूने जाके जो कही ये बात। ऐसा एक एक माँ है जो अपनी मदरहुड से कैसे गांव में अपनी एक वर्चस्व बनाए रहती है। बिल्कुल, ऐसा एक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है किसी भी रिलेशन को सर्वाइव करने के लिए, यू नीड अ बॉन्डिंग। और वाकई बड़ी सही बात हेमा जी ने कही है कि जब भी हम किसी को अपनाएं जिनसे हम प्यार करते हैं, जब भी हम उन्हें अपनाएं तो उन्हें उनकी कमियों के साथ अपनाएं, तभी जाकर वो रिश्ता एक खूबसूरत आधार ले पाता है। हेमा जी, आपसे हमने इतनी सारी बातें की हैं कि आप किस तरह से आपने अपने एक्टिंग करियर को निभाया, आपके रिलेशंस के बारे में, किस तरह से आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपनी एक लाइफ को, अपने एक्टिंग करियर को भी और अपनी लाइफ को भी एक बैलेंस तरीके से लेकर चल रही हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आज के समय में अभी आप क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, मैं पिछले 10 साल से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जी प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट्स को वॉइस एंड स्पीच पढ़ाती हूँ, और अभी आने वाले समय में मैं एक नाटक होने वाला है जो हमारा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है थिएटर का, भारंगम, जो कि जनवरी 4 से शुरू होगा, उसमें एक बहुत बड़ा नाटक है, उसमें मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली हूँ। मैंने एक्चुअली इंटीग्रेटेड फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डिजाइन कॉस्ट्यूम? नो 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 नो, मैंने बहुत सारे नाटकों में किया हुआ है, 800 कॉस्ट्यूम मैंने एक प्ले में डिजाइन की थी। मैंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है एनएसडी से, तो मैं डिजाइन, एक्टिंग, डायरेक्शन तीनों चीज़ कर सकती हूँ, पर मैं एज एन एक्ट्रेस बहुत आगे बढ़ी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक रिपेट्री कंपनी जिसमें मैंने 10 साल, आप समझिए, सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा बावकर, अनंग देसाई, जीपी नामदे, जो बहुत बड़े नाम हैं, अभी मुंबई चले गए, हमारे कोलीग हुआ करते थे, उनके साथ बहुत सारे नाटकों में काम किया। तो एक तो मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ, मैंने अभी एक फिल्म में काम किया है, आई एम कलाम के जो निर्देशक हैं रहे हैं नीला माधव पांडा, उनके डायरेक्शन में फिल्म बनी है, सो बिल्कुल इमरती देवी से बिल्कुल अलग एक रोल totally किया है, टोटली डिफरेंट, डी ग्लैमराइज रोल है वो, वो किया एक पॉलिटिशियन का रोल किया है मैंने, और मैं खुद कुछ नाटकों का डायरेक्शन करने वाली हूँ।
और मैं एक किताब भी लिखने वाली हूँ, मैं लिखती भी हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें आने वाले समय में आपके जरिए देखने को मिलेगा। देखिए, एक अभिनेता को सिर्फ अभिनय तक ही नहीं सीमित होता, उसकी पर्सनालिटी जब डेवलप होती है तो वो एज डायरेक्टर, एज प्रोड्यूसर, एज डिजाइनर, सभी चीजें आपस में इंटर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। थिएटर तो अपने आप में एक कलेक्टिव आर्ट है, एक दूसरे के साथ आपको जुड़ा हुआ होना होता है। मतलब हम सेट भी डिज़ाइन करते हैं, हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, हम कई बार मेकअप भी करते हैं। अच्छा। हाँ, मेकअप भी करते हैं, हम खुद मेकअप करते हैं। नाटकों में हम जब करते थे रोज़, तो हम डिफरेंट मेकअप करते थे अपना। हम अपनी कॉस्ट्यूम्स लेके आते थे कई बार कि कैसी कॉस्ट्यूम होगी। तो एज एन एक्टर आपको ये अवेयर होना ही पड़ता है कि जैसे अगर आप ये प्रोग्राम कंपेयर कर रही हैं तो आपको ये मालूम है कि आपकी इस ड्रेस के साथ आपके ये टॉप्स ज़्यादा सुंदर लगेंगे, या आपकी ये ड्रेस के साथ आपका ये लुक अच्छा लगेगा। जी, जी, तो उसी तरीके से थिएटर में भी होता है, बहुत इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एंड इट्स वेरी नाइस कि हम तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आप खजाना हैं, अलग अलग चीज़ों को आपने मिला के एक खूबसूरत से अभिनय को बाहर निकाला है। अभिनय करना जीवन के खजाने को ढूंढना है। मैंने इस एक जीवन में इतने सारे रोल्स कर लिए हैं कि मैं जीवन के बहुत सारे लोगों की सेंसिटिविटी को समझ सकती हूँ, उनके जीवन को समझ सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम था मैंने गालिब की पत्नी का रोल किया है। कभी मैंने वो किया तो कभी मैं पॉलिटिशियन बनी। चलिए एक काम करते हैं, आपके अंदर जो अभिनय का इतना खजाना है, एंड यू सेड दैट ऑल फील्ड्स आर इंटररिलेटेड, कोरिलेटेड, तो आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं। बोलिए। मैं एक शब्द कहूंगी, उस शब्द को सुनकर जो शब्द सबसे पहले आपके जहन में आता है बिना सोचे वो आपको कहना है। बिल्कुल। आर यू रेडी? या। ओके। मुंबई। इमरती देवी। दिल्ली। घर। इमरती देवी। इमरती देवी। मीठी छुरी। मीठी छुरी। एंड योर लाइफ इज टू बी एक्सप्लोर्ड, yet to be explored. Your future? I think it's bright. Yeah, you are going to make it bright. And Suprabhat. 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 Very, very nice. Very nice. And you very enjoyed energetic. Enjoyed it. और आप यहाँ पर सुप्रभात के आज मंच पर आई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स से जो हम अलविदा लें वो ऐसे अलविदा नहीं लेंगे, इमरती देवी के स्टाइल में अलविदा। अरे देखो भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो काम करो अपने पे विश्वास पूरा पूरा रखो। हाँ। और ये शॉर्ट कट के रास्ते मत ढूंढो, खूब काम करो तभी जाके मिलेगा सब कुछ। सब कुछ जल्दी जल्दी ना मिलेगा, कह देते हैं अम्बे। वेरी नाइस। और ये जो मैसेज आपने दिया, इट्स एक्चुअली ग्रेट, क्योंकि लाइफ में पेशेंस और पैशन दोनों चीज़ों का जब तक समावेश ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हेमा जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, आपने वाकई हमारे सुप्रभात के मंच को रंगीन कर दिया। आज मेरा भी सुप्रभात बहुत अच्छा है और मुझे लगता है मेरा दिन बहुत बहुत अच्छा बीतेगा। थैंक यू सो मच। वी होप सो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। और दोस्तों, वैसे सच बात है कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग या हमसे तजुर्बे में ज़्यादा लोग हमें कोई ना कोई कैसी सीख देते हैं, उस सीख को जब हम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा करियर हो या फिर हमारा जीवन हो, बहुत खुशहाल बन जाता है। जैसा कि हेमा जी ने आज हम सभी को एक सीख दी कि हमारे जीवन में कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो शॉर्टकट के रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा रास्ता ही हमें अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। वाकई हम सब कुछ कर सकते हैं, ज़रूरत है सिर्फ खुद पर विश्वास करने की और अपने पेशेंस को हमेशा बनाए रखने की, क्योंकि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती भंवर से निकल सकती है। ए दोस्त, मायूस मत हो, इरादा ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। अपने पेशेंस को बनाए रखिए और हर सुबह हमारे साथ खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। एंड टुडे हैव अ रियली नाइस डे। सुप्रभात।